हेलो एवरीवन, मैं निक्की और आपका स्वागत है मेरे चैनल निक्कू किचन में। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची मैक्रोनी कुरकुरे की रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रोनी कुरकुरे बनाने के लिए हमने लिया है एल्बो वाली मैक्रोनी। आप चाहे तो कोई भी शेप के पास्ता भी ले सकते हैं। इसे बॉईल करने के लिए पतीले में पानी गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे मैक्रोनी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी मैक्रोनी पक चुकी है। अब इसे एक नाइफ की सहायता से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कट रही है, इसका मतलब हमारी मैक्रोनी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसे एक छन्नी में इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च हो वो निकल जाए। तो अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट, 2 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से मैक्रोनी में कोट कर लेंगे। कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे अपना मैक्रोनी और मैक्रोनी डालने के बाद इसे 1 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। इसे छन्नी से नहीं पलटना है। अगर छन्नी से तुरंत पलट लेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगी और चिपक जाएगी एक दूसरे से। हो चुकी है तो इसे छन्नी से पलट लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कर लेंगे। तो देखिए हमारी मैक्रोनी के कुरकुरे फ्राई होके तैयार है। तो इसकी आवाज से आपको लग रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो अब इसे चटपटी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हाथों से तोड़ कर दिखाते हैं कि देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो अगर इस तरह से अपने बच्चों को कुरकुरे दे बनाकर देंगे तो आपके बच्चे बाहर के कुरकुरे खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।